हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है उषा स्ट्रीट फूड में। आज मैं पूनम सिंह आपको एक बहुत अच्छी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। वो है बैंगन का भरता, जो कि सभी को पसंद है, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में। बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, और एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। आपको क्या करना है, इस बैंगन को, उसका जो क्राउन है वो हटा देना है और इस बैंगन को छील लेना है अच्छे से। इसका पूरा पील ऑफ कर लीजिए। हम इसका पूरा बैंगन का जो भरता बनाएंगे वो हम उबालकर बनाएंगे। किस तरीके से बनाया जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम इन बैंगन को छील लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको ये छील के रखने हैं सारे। अब ये बैंगन मैंने देखो इस साइज में काट लिया है। आपको छोटे छोटे ये साइजेस में बैंगन को काटना है। कई बार क्या होता है कि जब हम बैंगन को भूनकर बनाते हैं भरते को, तो बैंगन में जो कीड़ा होता है वो आ जाता है। बट अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बैंगन में जितने भी कीड़े होंगे वो नहीं होंगे। आप साफ करके अच्छे से भरते को बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से इस साइज में बैंगन को काट लीजिए। अब ये जो हमने काट कर बैंगन रखे थे उसको मैंने कुकर में चढ़ा दिया है। इसको बॉयल करेंगे हल्का सा। इसमें मैंने पानी डाला है 1 से 1.5 गिलास, क्योंकि 1.25 किलो ये बैंगन है जो हमने छील के रखे हुए थे। और इसको अब हम लीड लगा देते हैं और 1 विसल आने तक वेट करेंगे। हमने बॉईल किए थे बैंगन, उसको हल्का सा आप पानी ड्रेन करके इसको मैश कर लीजिए। हाँ, इस तरीके से आप इसको मैश करेंगे। एक कढ़ाई में हमने अब ये तेल लिया है और ये गर्म हो चुका है। इसमें हमने जीरा डाल दिया है, ये हमने इसमें अदरक डाला है, और इसमें अब हमने प्याज डाल दी है। और इसको प्याज को हम ब्राउन होने देते हैं। इसमें हमने कुछ ज़्यादा ही प्याज यूज़ किए, 5-6 प्याज हैं, क्योंकि भरते में प्याज सबसे ज़्यादा डाली जाती है। अभी हमें प्याज जो है हल्की सी भूननी है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब हमने इसमें टमाटर और हरी मिर्च जो हमने काट कर रखी हुई थी, इसमें 6-7 टमाटर हमने डाले हैं, और इसको अच्छे से सोटे कर लेते हैं। और इसको भी अच्छे से गलने देते हैं पहले। ये 1 से 2 मिनट लेगा गलने में। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। मिर्च को भी, हल्दी पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 2 से 3 चम्मच, गरम मसाला अब हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। और इसको फ्राई स्पून की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे और इसकी ग्रेवी सी तैयार करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है। और अब हम इसमें डालेंगे बैंगन जो हमने बॉईल किए हुए थे, उस सारे डाल देंगे हम। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना भी अरोमा है हमारी जो हमने करी बनाई थी वो सब बैंगन के अंदर आ जाएगा। ये सब्जी को बनाने का एक ये बेनिफिट होता है कि आप 1 से 2 दिन आप इसको खा सकते हैं। और ये बैंगन का भरता, अगर आप ये रेसिपी एक बार घर पे ट्राई करेंगे, आई एम श्योर आपको ये पसंद आने वाली है। एक बार ज़रूर बना के देखिए, बच्चों के लिए भी अच्छी है, सबको पसंद आने वाली ये रेसिपी है। और ये मैंने बॉयल करके ही बनाया हुआ है बैंगन का भरता। और इसको अच्छे से मिक्स करते रहिए, चलाते रहिए। हम डालेंगे स्वादानुसार नमक।
इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से आप इसको चलाते रहें 3 से 4 मिनट, और ये जैसे ही अच्छे से नीचे से पकना शुरू हो जाएगा तब ये रेडी हो जाएगा। इसको पकने में आप 3 से 4 मिनट लगेंगे, और इसको चलाते रहें। अब ये मेरा भरता बनकर तैयार, और इसमें अब हम डालते हैं गार्निश के लिए धनिया पत्ती। ये देखिए, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। ये मेरा भरता तैयार हो गया है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, लजीज आ रही है। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।